यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज कंटेन्ड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, विच अप्लाइज इन एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। अब देखो, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड लॉ है वो किस में दिया है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। अब बात यह कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, है ना? क्या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अपने, थ्री टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हमको स्टडी करना है। फर्स्ट है प्रॉमिसरी नोट, सेकेंड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब अपन बिजनेस करते हैं और हमको जब पेमेंट करनी होती है तो हम या तो प्रॉमिसरी नोट के थ्रू करते हैं, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, या फिर चेक के थ्रू, ठीक है? बट अभी मोस्ट वाइडली यूज होता है चेक। और प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं अब, या फिर बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं उसमें होते हैं, या फिर बैंक्स के थ्रू होते हैं, बैंक्स को अगर पेमेंट करनी होती है, या आरबीआई वगैरह के इसमें। पहले इन सब का यूज होता था बट अभी इनका यूज कम होते जा रहा है, इसका यूज ज्यादा होता है। किसका? चेक का। तो अपने तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। अब वन बाय वन स्टडी करेंगे अपन। देखो डेफिनेशन, सबसे पहले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल उसका नाम क्यों रखा है? तो देखो, द वर्ड नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। देखो, नेगोशिएट करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगोशिएट करना मतलब डील करना, नेगोशिएट मीन्स डीलिंग करना, लेकिन यहाँ पे नेगोशिएबल लिखा है और वो भी इंस्ट्रूमेंट्स। तो किसकी बात हो रही है? नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर होना बाय डिलीवरी। जैसे अगर अपन समझो गुड्स वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाते हैं, तो जब वो डिलीवरी बॉय आता है तो वो गुड्स हमको क्या करके जाता है? दे के जाता है। तो वो हमको डिलीवरी करता है उस गुड्स की। तो ऐसे गुड्स जो ट्रांसफर करने से डिलीवर होते हैं, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी लॉ में उसको बोलते हैं नेगोशिएबल। तो जब दो पार्टीज आपस में डील करती हैं और जब उनको एक दूसरे को साइनिंग अमाउंट या पेमेंट देना रहता है, तो वो किसका यूज करती है? या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पे करेंगी, या फिर प्रॉमिसरी नोट के। हम जब उनको देंगे, हम क्या करते हैं? डिलीवर करें, एक हाथ से दो एक हाथ से लो, सुना है ना? तो जब हम बाय हैंड उनको दे रहे हैं, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं, ठीक है? एंड द इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो हम सामने वाले को दे रहे हैं, देखो ये हम दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सपोज ये ए के पास है, ए ने अपने हाथ से बी को दिया, तो क्या किया? ट्रांसफर किया बाय डिलीवरी। लेकिन क्या ये रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें ए ने बी का नाम लिखा है इन फेवर ऑफ समबडी एंड इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, और वो इजिली ए से बी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ पीस ऑफ पेपर, मैंने बोला ना कि एक पीस ऑफ पेपर है जो ट्रांसफर हो रहा है, विच इंटाइटल्स अ पर्सन टू अ सर्टेन सम ऑफ मनी, और उसमें एक मनी लिखा है, जैसे हो गया 5,000, 8,000, कुछ भी, विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। तो ए से कौन सा हो रहा है? बी में, बाय डिलीवरी। तो डिलीवर किया ए ने बी को, और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट मींस अब बी भी किसी को दे सकता है, वही ए से मिला बी को, बी ने किसको दे दिया? सी को। तो एंडोर्समेंट इजिली ट्रांसफरेबल, नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफर बाय डिलीवरी। सेम एंडोर्स करना, सामने वाले को प्रेषित करना बोलते हैं ना, कि मैंने उसको दे दिया तो हम उसको भी ट्रांसफर ही कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? सबसे पहली चीज तो ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी होती है, रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है,
जिसमें एक अमाउंट मेंशन रहता है जिससे वो अमाउंट सामने वाले को मिलता है थ्रू द बैंक। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बी के पास रहेगा, बी सी को दे सकता है, सी डी को, डी ई को, ई एफ को, एन नंबर ऑफ टाइम्स वो पास हो सकता है जब तक उसकी वैलिडिटी या मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती। क्लियर हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग? अब नेक्स्ट इसके फीचर्स देखो। फीचर्स क्या होते हैं किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के? फीचर्स क्या होंगे, है ना, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स? फ्री ट्रांसफरेबल होता है या फिर इजी नेगोशिएबल? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी फॉर्मैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड। द प्रॉपर्टी या फिर जो राइट ऑफ ओनरशिप है, ये वर्ड याद रखना ना, प्रॉपर्टी मीन्स राइट ऑफ ओनरशिप, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में पढ़ा था। ठीक है, जैसे अगर हम उसमें गुड्स को सेल करते थे, मैंने बताया था, तो वो गुड्स किसकी प्रॉपर्टी है? सेलर की प्रॉपर्टी है। फिर वो जब उसको ट्रांसफर कर रहा है, यानी क्या ट्रांसफर कर रहा है, उसकी ओनरशिप, सेम वही। तो प्रॉपर्टी यानी राइट ऑफ ओनरशिप इन दिस इंस्ट्रूमेंट पासेस बाय आइदर, ये कैसे पास होता है इसमें देखो, आइदर एंडोर्समेंट और या फिर आइदर किसके, डिलीवरी इन केस इट इज पेबल टू ऑर्डर। देखो जहां पे ना पेबल टू ऑर्डर जिसका नाम लिखा रहता है ना, तो ये वर्ड यूज करते हैं ऑर्डर। मतलब मैंने उसमें लिखा आई प्रोमिस टू पे टू बी, तो मैंने जिसका नाम लिखा वो हो गया आई प्रोमिस टू पे टू बी, तो ये क्या हो गया ऑर्डर, जिसका नाम लिखा है उसी को। तो या तो इंडोर्समेंट से होता है या फिर डिलीवरी से, तो इंडोर्समेंट और डिलीवरी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट देखो, और बाय डिलीवरी मियरली इन केस इट इज पेबल टू बियरर। अब देखो, सिर्फ जब सिंपल डिलीवरी हो रही है, इट मीन्स ये बियरर है, मैंने बोला ना, अब बी चाहे तो सी को दे सकता है, तो सी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, सी को दे रहा है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट में अब सी का नाम तो नहीं लिखा है, इसलिए उसमें ऑर्डर वर्ड यूज नहीं किया, सिर्फ क्या यूज किया, डिलीवरी। बियर मतलब जो उसको होल्ड करके रखा है ना, बियरर जो जिसके पास है, तो या तो पेबल टू ऑर्डर होता है या फिर पेबल टू और बियरर। नेक्स्ट देखो, एंड नो फर्दर एविडेंस ऑफ ट्रांसफर इज नीडेड, तो कोई फर्दर एविडेंस नहीं होता है, तो पेबल टू ऑर्डर होता है या फिर जिसका नाम लिखा रहता है, या फिर पेबल टू बियरर होता है, या हम जिसको ऐसे हैंड ओवर कर रहे हैं और उसका नाम नहीं लिखा है। तो जैसे ए ने दिया उसको बी को, तो वो उसका नाम लिखा था, तो बी ने अपना इंस्ट्रूमेंट सी को दे दिया, क्योंकि बी को भी पैसे देने होंगे सी को, तो इसने सोचा कि डायरेक्ट मैं सी को ही दे देता हूँ। नेक्स्ट देखो, टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। अ पर्सन हु टेक्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोना फाइड, इट मीन्स इन गुड फेथ, ये पहले भी बता चुके हैं। एंड फॉर वैल्यू गेट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स इन द टाइटल, मतलब जैसे ए दे रहा है बी को, तो कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर जब बी दे रहा है सी को डिफेक्ट, इसका मतलब ये है कि उसने गुड फेथ में हासिल किया हो, ना कि उसने फ्रॉड करके उसको लिया हो, या फिर चोरी की हो, या थीफ, या उसने स्टोलन किया हो। ठीक है, तो इन गुड फेथ मतलब सामने वाले ने खुद दिया हो। बोलते ना कि चेक मिसप्लेस हो गया है मेरा, मेरे को बैंक में जाके अपना चेक स्टॉप करवाना है कि कहीं कोई उसको लगा के पैसे नहीं निकाल ले, तो वैसे ही, तो जिसके पास वो है तो उसके पास वो गुड फेथ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, आप कोई डाउट है यहां तक, पहले ये बताओ। नो मैम। नेक्स्ट देखो, ये देखो, ट्रांसफरी कैन सू इन हिज ओन नेम विदाउट गिविंग नोटिस टू द डेटर। देखो, एक होता है ट्रांसफरर,
जो दे रहा है, और एक है ट्रांसफरी, तो जिसने बनाया वो ट्रांसफरर और जिसने लिया वो ट्रांसफरी। तो ए से गया बी, बी से गया सी, तो बी के लिए ट्रांसफरर कौन है? ए। लेकिन सी के लिए कौन है? बी। तो कभी कभी जिसको मिलता है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो खुद ही अपने ऊपर केस कर सकता है। क्यों? विदाउट गिविंग अ नोटिस टू द डेटर। कैसे? देखो, जो बिल, बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, नोट का मतलब है प्रॉमिसरी नोट, चेक तो पता ही है क्या होता है, रिप्रेजेंट अ डेप्ट, बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है एक डेप्ट, मतलब एक अमाउंट कितना मिलने वाला है। दैट इज एन एक्शनेबल क्लेम एंड इम्प्लाइज द राइट ऑफ क्रेडिटर टू रिकवर समथिंग फ्रॉम हिज डेटर। ये जिसको मिलता है वो मिल जाता है क्रेडिटर। किससे लेता है वो? डेटर से। नेक्स्ट देखो, द क्रेडिटर कैन आइदर रिकवर दिस अमाउंट हिमसेल्फ और कैन ट्रांसफर हिज राइट टू अनदर पर्सन। तो मैंने बताया, जैसे यहाँ पे ए से आया बी के पास, तो वो भी खुद क्रेडिटर है और अब वो चाहे तो दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि बी किसको दे रहा है? सी को। नेक्स्ट देखो, इन केस ही ट्रांसफर्स हिज राइट, अगर वो ट्रांसफर कर रहा है, तो जो ट्रांसफर ही है ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसको मिल रहा है, इज एंटाइटल्ड टू स्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम इन केस ऑफ डिसऑनर विदाउट गिविंग नोटिस टू द डेटर ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज बिकम होल्डर। अब देखो, तो सी चाहे ना अब उसको बैंक में डाल सकता है, सपोज चेक है उसके पास, उसने बैंक में डाला, उसमें पैसे नहीं निकले, तो चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर। चेक डिसऑनर हो गया, लगाया उसने खुद है, चेक डिसऑनर हो गया, तो केस किसके ऊपर होगा? जिसने उसको ड्रॉ किया था, मतलब ए। तो वो खुद ही अपने ऊपर केस कर सकता है। तो ये थोड़ा सा उल्टे तरीके से लिखा है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार स्टूडेंट्स कि मैम वो खुद पे कैसे कर सकता है? खुद पे नहीं करता है, उसके पास है वो खुद ही केस लगा देता है अपने ऊपर। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ एन दैट इज बुक डेप्ट एविडेंस बाय एन एंट्री बुक अंडर नोटिस टू इन ऑर्डर टू मेक ट्रांसफरी एंटाइटल्ड टू सू, ये आपके काम का नहीं है, ये आप नहीं करेंगे, आपके काम का सिर्फ इतना था। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। बताओ। मैम वो ट्रांसफरी और ट्रांसफरर किसको किसको बोलते हैं? बेटा प्रॉमिसर किसको बोलते हैं पहले ये बताओ मेरे को, और प्रॉमिसी किसको बोलते हैं? चलो बताओ, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ मैं आप लोगों के। देखो, जिसमें ना लास्ट में आर ओ आर आता है, ये देखो ट्रांसफरर या प्रोमिसर, ये फर्स्ट पार्टी जो दे रहा है, और जिसको रिसीव कर रहा है वो क्या हो जाता है? ट्रांसफरी या प्रोमिसी। एक बेलर और बेली वाला था ना, तो बेलर और बेली है ना, ये देखो। तो जो आर वाला होता है ना, ओ आर वाला, वो फर्स्ट पार्टी, और जो ई डबल ई वाला रहता है वो होता है सेकेंड पार्टी। तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी किसमें पढ़ा था, याद है कुछ? नहीं याद होगा ना तुम लोगों को, पता है मैं कब, पढ़ते लिखते नहीं हो तुम लोग, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। जब अपन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ते हैं, एग्रीमेंट वाला चैप्टर सबसे स्टार्टिंग वाला, कुछ याद नहीं होगा तुम लोगों को, उसमें वर्ड यूज होता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। तो जो ऑफर करता है वो होता है प्रॉमिसर, जो एक्सेप्ट करता है वो होता है प्रॉमिसी। अब पता नहीं तुमको याद है कि नहीं है, नहीं याद है तो नोट कर लो कहीं पे, यस मैम याद है। कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग, पता है जब पूछो तो तुम लोग सब चुप हो जाते हो, सब पूरी क्लास। देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, देखो प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस का मतलब प्री अज्यूम्ड,
कुछ ऐसी चीजें जो ऑलरेडी अज्यूम्ड है आप उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, अज्यूम्ड, तो ये चीजें उसमें रहेंगी। अगर आपने वो चीज कहते ना कि अगर आपको कुछ ये चीज मिल रहा है तो ये चीजें तो उसमें रहेंगी। जैसे आप लोगों ने सपोज एक फोन परचेज की, तो फोन के बेसिक फीचर्स क्या है, उसको कॉलिंग करना, प्लस उसमें क्या रहता है, उसमें मैसेजेस टाइप करना। हाँ, उसमें जो दुनिया भर की न्यू एप्लीकेशंस हैं वो हैं कि नहीं है वो बात अलग है, लेकिन उस फोन का बेसिक फीचर क्या है, कॉलिंग, मैसेजिंग, ठीक है, तो ये सब सेम प्री एज्यूम्ड है, प्रिजम्पशंस हैं, तो ये चीजें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होती ही हैं, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट है कंसिडरेशन, ऑब्वियस है एक अमाउंट के लिए वो ड्रॉ किया जाता है, जो देता है ना ए, जैसे सपोज मैंने बोला बी को दे रहा है आई प्रॉमिस टू पे, तो इसको बोलते हैं ड्रॉन, और कौन जो बनाता है उसको बोलते हैं मेकर, मतलब जो लिखना उसको बोलते हैं ड्रॉन, और जो लिखता है उसको बोलते हैं मेकर, वो बना रहा है ना उसको। नेक्स्ट देखो एस टू डेट, उसमें एक डेट लिखी रहती है, उस डेट तक ही वैलिड है, ऐसे नहीं ए दे रहा है बी को, बी दे रहा है सी, सी को दे रहा है डी, डी दे रहा है ई, ई दे रहा है एफ, एफ दे रहा है श्यामलाल, रामलाल, ऐसे करके एन नंबर ऑफ टाइम्स, नहीं भाई, एक पर्टिकुलर डेट है उस तक ही जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, उसके पहले नहीं। जैसे अगर आप लोग चेक्स वगैरह होंगे ना, उसमें 3 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी लिखा रहता है, तो उसकी मैच्योरिटी के पहले तक ही ट्रांसफर। देखो एवरी नेगोशिएबल दैट एवरी ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट एवरी ट्रांसफर ऑफ एक सेकेंड that every transfer of negotiable instrument was made before its maturity, तो obvious है maturity के पहले रहता है, was made before its maturity. Next देखो अब as to time of endorsement, endorsement मतलब transfer, ठीक, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर नेगोशिएबल है इट मीन्स पेबल टू क्या है, ऑर्डर है, यानी कि ट्रांसफर बाय डिलीवरी है। फिर अगर एंडोर्समेंट है तो वो पेबल टू बियरर है, मतलब हम सिर्फ किसी को दे रहे हैं जिसका नाम नहीं लिखा है, तो मियर इसमें क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है, नॉट बाय डिलीवरी, तो ये एंडोर्समेंट की बात हो रही है, ये वाला जो पेबल टू बियरर है, दैट द एंडोर्समेंट अपेयरिंग अपॉन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर मेड इन द ऑर्डर इन विच दे अपेयर, हटाओ ये, इतना ही बस पढ़ना है, एट द टाइम ऑफ एस टू स्टैम्प दैट अ लॉस प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक वॉज अ ड्यूली स्टैम्प, उसमें स्टैम्प लगा रहता है लास्ट में। एस टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, देखो होल्डर होता है एक, और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, समझो इसका डिफरेंस। होल्डर कौन है, जिसके पास चेक है, होल्ड, होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, और आपने किसी को दे दिया, तो अब वो होल्डर हो गया, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स, उस पर्टिकुलर टाइम तक आपने उसको रखा है, तो आप हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। एज टू डिसऑनर दैट द इंस्ट्रूमेंट वॉज डिसऑनर, अगर चेक बाउंस हो जाता है, इन केस अ सूट अपॉन अ डिसऑनर इंस्ट्रूमेंट इज फाइल्ड विद कोर्ट एंड द फैक्ट ऑफ प्रोटेस्ट इज प्रूव्ड, बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि हम उस चेक को जब डिसऑनर हो सकता है, होता है, तो हम उसमें लगा सकते हैं। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप्स के होते हैं, देखो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक्स है, वारंट्स है, ये पढ़ेंगे अपन, ये तीन बस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी नोट, और देखो बैंक नोट, एक्सचेकर बिल्स, शेयर वारंट्स, ये सब नहीं पढ़ेंगे अपन, तो अपन सिर्फ ये वाला पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेटस।
नेक्स्ट देखो इसमें, अब आएंगे अपन प्रॉमिसरी नोट पे। तो इन शॉर्ट अब मैं आपको कुछ बता रही हूं इसमें, तो अब आपके काम के कौन से फीचर्स हैं अब वो स्टडी करेंगे हम। मैंने एक अभी आपको एक ओवरव्यू दिया थ्रू द पीपीटी, लेकिन अब आपके काम के कौन से फीचर्स हैं अब मैं वो उसकी पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको, जो आपको करने हैं। फर्स्ट है देखो इसमें, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल टफ नहीं रहेगा इसमें। इसमें फर्स्ट रहेगा नेगोशिएबिलिटी, कि यस वो नेगोशिएबल है, मतलब ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर बाय डिलीवरी है। फिर सेकंड पॉइंट आपके काम का है इसमें राइट ऑफ द होल्डर टू स्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट। मैंने बोला है जो होल्डर है उसके पास एक राइट होता है कि वो उसके ऊपर केस कर दे। नेक्स्ट देखो ट्रांसफर है, अनकंडीशनल प्रॉमिस है, कोई कंडीशन नहीं है, एन नंबर ऑफ टाइम्स वो इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है, कितने बार भी, सिंपल अनकंडीशनल प्रॉमिस। नेक्स्ट इसमें देखो, देखो अनकंडीशनल भी इसलिए रहता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। उसमें अगर 5,000 का अमाउंट है तो आपको 5,000 मिलना ही है, 10,000 लिखा है तो 10,000, ऐसा नहीं है कि आप ये काम करेंगे तो ही इसकी पेमेंट होगी, बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन ही नहीं आएगी। आपको मिला है इट मींस आपको गुड फेथ में मिला है और जितना पैसा लिखा है वो मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं होगा तो मैं इसकी पेमेंट रोक दूंगा, ऐसा होता ही नहीं है। अगर अगर सामने वाला आपकी पेमेंट रोक देगा तो जो चेक होते हैं उस पर तो आजकल लीगल क्रिमिनल केसेस लग जाते हैं, ठीक है। तो एक सम सर्टेन रहता है, सम का मतलब एक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट रहता है, सर्टेन मतलब फिक्स्ड, है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एप्लीकेबल, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेटी का मतलब क्या है, देखो ये वाला एप्लीकेबल नहीं है, पर ये है क्या प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में है वही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है वो केस कर सकता है, वो भी जैसे मैंने बोला ए से जा रहा है बी के पास, तो अब इसमें ना ए और बी का नाम लिखा है तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में है समझो, लेकिन जैसे ही बी ने सी को दे दिया तो उसमें सी का नाम तो नहीं लिखा है, फिर भी सी केस कर सकता है। तो इसका मतलब है प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो लोग एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये जिसके हाथ में भी है जो भी होल्डर है उसका इंस्ट्रूमेंट का वो केस कर सकता है। क्लियर है यहां तक? यस मैम। नेक्स्ट देखो ट्रांसफरी, जिसको मिल रहा है ट्रांसफरी, नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर। ट्रांसफरर होता है और एक ट्रांसफरी होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ट्रांसफरी को किससे मिलता है, ट्रांसफरी को मिलता है इससे, तो लिखा है ट्रांसफरी नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिफेक्ट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। इससे अगर इसने कहीं से चोरी करके लाया है और इसको दिया है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसको तो गुड फेथ में मिला है। केस होगा अगर वो किसी डिफेक्ट का कि आपने चोरी किया वो, तो वो इसके ऊपर होगा, लेकिन इसको तो गुड फेथ में मिला है। और प्रॉमिसरी नोट होता कितना सा पेपर है, एक पेपर ही होता है साइन किया हुआ रहता है सिंपल, तो उसमें किसी को क्या ही पता चल जाएगा कि तुमने चोरी की है कि नहीं, या तुमने कहीं से स्टोल किया है।
यस मैम ठीक है। और फिर आपने कुछ प्रिजम्पशंस अभी स्टडी किया था जो मैंने बताया था कि ये तो फैक्ट इतना रहता ही है, प्री अज्यूम्ड, ये हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये था अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमने आज स्टडी किया। फिर उसके हमने क्या स्टडी किए, फीचर्स, फीचर्स जो मैंने अभी लिखवाया आपको यहाँ पे और जो आपको पीपीटी के थ्रू करवाया, आप चाहो तो दोनों यूज कर सकते हो, दोनों से मिक्स करके कोई उसमें प्रॉब्लम